नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान या धर्म वाला है। ऑल इन वन फेमस चैनल के तौसत से शानवार मरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लेसन 3 में हमने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। ये जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमने कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन किया था। ये पी चे पी टी टी पी डी टी जे पी बी डी डी पी जे टी पेड पेज बेट बेब टेप डेट। ये हमें उम्मीद है कि आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा, इन अल्फाज को तीन तीन चार चार पेज एक एक कॉन्सोनेंट्स को, ये आपको मेमोराइज हो गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं वावल ई। वावल ई शार्ट ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट एंड इज द सेकंड प्लेस वावल। ये शार्ट ई, ये शार्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट, ये हल्का डॉट। ये देखें, ये वावल ई, वावल ई, ये शार्ट ई जो है ये हल्का डॉट, ये हल्का डॉट। ये पहले हमने पढ़ा था ए को, यानी ए ये मोटा हेवी डॉट, हम ये हमें ए को इंडिकेट कर रहा था। ये जो लाइट डॉट है, ये लाइट डॉट ई को इंडिकेट करेगा, ये लाइट डॉट है ई को इंडिकेट करेगा। ये है अल्फाज हैं, ये देखें एच ई टी सी एच शार्ट एंड आवाज़ पर मुश्तमिल है। ये देखें, ये चे, चे से पहले हमने ई को डॉट लगाएंगे, पहले चे लिखेंगे कॉन्सोनेंट, उसके बाद हम इंडिकेटर करेंगे इसको, ये लिखेंगे। ये सेकंड प्लेस वावल है, सेकंड प्लेस वावल हमेशा लाइन पर आता है, फर्स्ट प्लेस वावल लाइन अबव द लाइन आता है। ये सेकंड प्लेस वावल है, ये एच, ये ई, ये एच, ये चे लिखा है, चे से पहले ई को हमने इंडिकेट किया था, ये इंडिकेट कर रहा है ये ई, ई डॉट हल्का डॉट लाइट डॉट। अब एज, ये एज, ये जे, जे से पहले हमने ई को लिख रहे हैं, ई को वावल का सिंबल लिख रहे हैं, ये जे, जे से पहले ये एज हो गया। ये बेट, बी ई टी बेट, ये बी, ये टी बेट, ये बी, ये टी बेट। उसके बाद पेप, पी ई पी, ये पी, ये पी पेप, ये पी, ये पी पेप। ये आपने शार्ट हैंड को इसको, इन अल्फाजों को कम से कम दो से तीन पेज आपने लिखना है, ये इंशाल्लाह आपको मेमोराइज हो जाएगा। ये ट्रेड, टी ई डी, ये टी, ये डी, टी लाइट डॉट है और डी हेवी डॉट है। ये टी लाइट स्ट्रोक है, डी हेवी स्ट्रोक है। ये लाइट डॉट हमें ई को इंडिकेट कर रहा है, ये हम दिया टी के बाद ट्रेड, ये टी, ये डी ट्रेड। उसके बाद है डेप्ट, डेप्ट, ये बी खामोश है, डेप्ट, ये डी और टी लिखेंगे हम, डी, ये टी, ये ई कॉल का डॉट, ये डेप्ट हो गया, डी, ये टी डेप्ट, ये डी, ये टी डेप्ट। उसके बाद है जेट, जेट, ये जे, ये टी जेट, ये जे, ये टी जेट, ये जे, ये टी जेट। और हमें उम्मीद है आप इनको कम से कम तीन से चार पेज लिखेंगे, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। ये वावल ई हैं, ये एच, ये एज, ये बेट, ये पेप, ये टेड, ये डेप्ट, ये जेट। और ये आप, इनका तरीका ये है कि आप कम से कम इनको दो से तीन पेज डेली एक एक अल्फाज को लिखें, और ये नोट, ये देखें, ये नोट है, ये जो आप लिखने से पहले द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन, ये हमेशा पहला स्ट्रोक जो है ये लाइन पर रहेगा, ये लाइन पर रहेगा। जैसे बेट है, बी लाइन पे, उसके बाद दिया जाएगा। राइट द कंसोनेंट्स आउट लाइन फर्स्ट, पहले आप कण आउट लाइन फर्स्ट ये कॉन्सोनेंट लिखेंगे। ये जैसे ये चे, एच, ये चे लिखा हमने, उसके बाद द एंड देन प्लेस द वावल साइन, वावल की साइन जो सैम्पल बाद में लिखेंगे हम। जैसे हमने ये देखें, इधर हम आपको समझा रहे हैं, ये एच है, ये चे, एच, ये एच, ये चे लिखा है हमने, ये कॉन्सोनेंट हमने लिखा है, उसके बाद हम ये दे रहे हैं, ई का सैम्पल दे रहे हैं, एच, ये एच, ये एच। उसके बाद देखें ये जेट, ये जे, ये टी जेट, ये पहले हमने लिख दिया ये जेट, ये कॉन्सोनेंट यानी स्ट्रोक हम लिख दिया, उसके बाद हम ये दे रहे हैं। ये इसका मेथड ये है कि इसके बाद हम आप इंडिकेट करेंगे वावल को। आज तक के लिए ये काफ़ी है, अगले लेसन में फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।